हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आज इस वीडियो में हम लोग एक नेस सीएसएस फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे जिसका नेम है नेस डॉट सीएसएस। नेस डॉट सीएसएस एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का। तो अब बात आता है कि नेस डॉट सीएसएस फ्रेमवर्क की क्यों बात। एक्चुअली ये है कि नेस डॉट सीएसएस का जब यूज करने पर इसका फील थोड़ा अलग ही होता है। जैसे कि आप 90s में आ गए हैं, उस समय जो पुराने वर्जन में यूज होता था, जो वेबसाइट में टेक्स्ट होते थे या फिर उनका जो स्टाइल होता था, आपको वैसा फील ला देता है। आजकल तो जैसे कि है बूटस्ट्रैप 4 है जो कि लेटेस्ट है, इसके साथ बुलमा है और सिमेंटिक यूआई भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बना सकते हैं, अच्छे टेक्स्ट हैं, स्टाइल भी हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर डिफरेंट जाना है तो आप nest.css यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग, चलते अगर इसके वेबसाइट पर, तो यहाँ पर अपने URL में जाकर अगर हम लिखते हैं nest.css, ठीक है, सिंपली इंटर पे क्लिक करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा इस पर हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको देख के यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, यूनिक लग रहा है थोड़ा सा। अगर आप देखें इस वेबसाइट को या आप इसका फॉन्ट देखें या फिर इसका पॉइंटर अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि जैसे कि मिकी माउस का हाथ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो अबाउट इंस्टॉलेशन, ये यहाँ पे वो सारी चीज़ मिल जाएंगे जिसको आपका ज़रूरत है। जैसे कि बटन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसके साथ रेडियो बटन यहाँ पे देख सकते हैं, चेक बॉक्स है, इनपुट्स है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट है और जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ डायलॉग्स यहाँ पर मिल जा रहा है। जैसे ओपन डायलॉग सारा चीज़ इसमें मिल जा रहा है आपको। उसके साथ टेबल प्रोग्रेस, वो मतलब कि बैलेंस भी है, आइकन भी आपको यहाँ मिल जा रहा है, सोशल मीडिया का जो भी आइकन है तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब बात आता है कि जैसे कि हम लोग को इसका यूज कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने एक बनाया हुआ है, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा कर दें, बड़ा करने के बाद आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हमने PHP में बनाया हुआ, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल HTML में हमने बनाया हुआ है इसको, तो ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर इसमें हम लोग nest.css का यूज करें तो देखते हैं कि कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे हम लोग को रिडमी पे क्लिक करना है। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे गिटहब के पेज पे। यहाँ पे गिटहब पे आने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें तो इंस्टॉल करने का कुछ प्रोसेस है जिसमें कि npm से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें CDN का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो CDN है, यहाँ पे तीन आपको CDN मिलेंगे, एक मिनीफाई मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा और उसके साथ कोर स्टाइल ओनली मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं मिनीफाई को। यहाँ पे सिंपली हम इस पर कॉपी करते हैं इसको और अपने पेज पे जहाँ पे कि हम लोग ये वाला पेज व्यू करा रहे हैं, इसका कोड जहाँ पे लिखे हैं, यहाँ ये इसका कोड है। यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट किया, सेव करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अगर जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं आप देखें कि ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये चेंज हो चुका है, जिसमें कि फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका पॉइंटर आप देखें तो पॉइंटर चेंज हो चुका है, ठीक है। फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जाएं तो आपको मिलेगा, इसके नीचे आप देखें तो फॉन्ट दिया हुआ है। इसमें फॉन्ट हमको यूज करने के लिए इसका भी हम लोग यहाँ से एक CDN उठा लेते हैं। ये लिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है हम लोग को। इसको कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद आके हम लोग इसी के नीचे यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। और अब हम लोग पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे हम लोग ने रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हम लोग का जो लुक है ये पूरा 90s वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी इंटर करते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पे अपना नाम इंटर करता हूँ, देखें तो जैसे कि हमने नाम भी इंटर कर रहे हैं तो ये फॉन्ट उसी टाइप का हो रहा है जैसे कि है। यहाँ पे कमेंट्स है, इसमें भी अगर हम लिखते हैं हाय, ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारा कुछ इसमें चेंजेज हो रहा है। अब रही बात कि इसका यूज कैसे करना है, अगर हम लोग अपने इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे कि बटन है, बटन में हम लोग का ये वाला यूज करना है तो यहाँ पे देखें तो बटन दिया हुआ है। ये सेम इसका हम लोग का कंपोनेंट यूज करना है। अगर आप एंगुलर जीएस वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कंपोनेंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सिर्फ हमको क्लासेस इसमें ऐड करना है। जैसे कि बटन है यहाँ पे,
हम लोग को जैसे कि बूट टेस्टिंग में करते थे ना, सिर्फ क्लासेस को ऐड करना है, बाकी खुद पे कुछ चेंज हो जाता था, उसी तरह से सिंपली एक क्लास है और देखे तो इसको हम लोग को कॉपी करना भी कितना ईजी है। यहाँ पे सिंपली हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने बटन क्रिएट किया हुआ है सबमिट का, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको। और अब पेज को एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप बटन पे ध्यान दीजिएगा, देखे तो ये चेंज हो गया है। यहाँ पे देखे तो ये चेंज हो गया। अगर इसमें आपको चेंज करना है, चाहे प्राइमरी की जगह पे आप डेंजर कर सकते हैं, वार्निंग इनको आपको जो करना है इजीली कर सकते हैं। उसके साथ अगर और चीज़ भी आपको चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे रेडियो बटन बनाना है, इसका देखें तो यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा, जो भी कोड है यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, यहाँ से सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट का कोड है, ठीक है, यहाँ पे देखें क्लास जैसे दिया हुआ इनपुट, अगर इसको हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउजर में जाके हम लोग इसको यहाँ ब्राउजर सॉरी यहाँ पे कोड में जाके इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ इंटर योर एज यहाँ भी हम लोग एक बार इसको पेस्ट करते हैं, ओके, इसको सेव करते हैं और पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये इनपुट भी जो इनपुट का टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ पे देखो तो इसका भी लुक चेंज हो चुका है। अगर इसका भी करना है तो टेक्स्ट एरिया के लिए अगर आप जाएं यहाँ पे, तो आपको टेक्स्ट एरिया के लिए भी मिलेगा, जिसमें कि ये देखिए ये टेक्स्ट एरिया के लिए इसका क्लास यहाँ पे दिया हुआ। सिंपली हम लोगों को यूज क्या करना है, केवल क्लास इसका यूज करना है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और अपने यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट एरिया में और यहाँ पे क्लास हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का जो क्लास है ये भी यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पे तो ये भी हम लोग का यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है, ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। बड़ी बहुत ही इजी है इसको यूज करना। और देखे तो कि थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, जैसे कि हम लोग बहुत पुराने दिन में आ गए हैं, 90s में आ गए हैं, उस टाइप का यहाँ पे आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी बात ये आता है कि अगर हम लोग जैसे कि ये कंपोनेंट यूज किया गया है, अब देखें तो ये वाला जो बॉर्डर वगैरह दिया गया है, इसको अगर हम लोग यूज करना है तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिंपली अगर जैसे कि टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट्स है सॉरी यहाँ पे चेकबॉक्स है, इनपुट्स है, अगर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी इसको कर लिए सेम, अगर इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद पूरे बॉडी में हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट। अब सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अगर हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करें तो भी आप देख सकते हैं कि सारा कुछ इसमें चेंजेज हो गया, जो भी उसमें था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अगर इसको अलावा अगर आपको कुछ बताएं इसमें, तो हम लोग अगर चलते हैं नीचे सेलेक्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे देखें तो कंटेनर आपको दिया हुआ, ठीक है, कंटेनर के यूज कैसे करना है वो चीज़ आपको अगर बताएं हम, तो यहाँ पे देखें कंटेनर में हम लोग को केवल यूज करना है। यहाँ पे सपोज कि हम लोग इसको बैक करते हैं, फॉली वाले में जाते हैं और यहाँ पे डिफ एक डिफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं, सिंपली डिव, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, सब कुछ की कैचुअल में लिखते हैं होस्ट प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम लोग को कंटेनर कैसे यूज करना है वो अगर आपको बताएं, तो यहाँ पे देखें तो हम लोग को क्लास ऐड करना है, सिंपली ये वाला जो क्लास है इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं इसको और यहाँ पे डिव में जाके हम लोग इसको अगर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। और उसके साथ हम लोग को काम इसमें है कि टाइटल में हम लोग को देना होगा, जो टाइटल हम लोग यहाँ पे शो कराना चाहते हैं उस टाइटल को हम लोग को यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है, और इसके नीचे हम लोग इसी को पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग
कुछ भी चेंजेस कर लेते हैं सब कुछ की, इसका नेम रख देते हैं हम फॉर्म। ठीक है, अब सेव करें इसको, और सेव करने के बाद पेज को अपना रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, लेकिन काफी ऊपर दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग जो सेंटर को हटा देते हैं यहाँ से, भी टाइटल इज सेंटर, इसको हम लोग अगर रिमूव करते हैं तो अभी आप देखें तो आपको फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है तो ये कंटेनर यहाँ पे जो सेम यहाँ पे कंटेनर था वैसे ही यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे जो कंटेनर आपको दिख रहा था ये सेम वैसे ही कंटेनर आपको चेंज होगा। अब इसके अंदर जो भी आपको जितने भी कंटेनर बनाना है, कंटेनर को अगर आपको सेंटर रखना है तो लास्ट में एक और क्लास सेट कर सकते हैं इज सेंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ईजी है यूज करना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे यूज करना है, और बहुत ही ईजी है। और इसमें अगर यूज करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील मिलता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं, और सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।